हेलो प्यारे बच्चों, हमारी आज की कहानी का नाम है लाल बरसाती। रविवार को माँ बाबा ने मनु को लाल रंग की एक बरसाती खरीद कर दी। माँ, क्या मैं इसे पहन सकता हूँ? मनु ने पूछा। माँ ने कहा, नहीं बेटे, जब बारिश होगी तब पहनना। सोमवार को धूप थी। माँ, क्या आज बारिश होगी? मनु ने पूछा। नहीं मनु, आज नहीं होगी, माँ बोली। मंगलवार को आसमान नीला था। माँ, कब होगी पूरी मेरे मन की बात? मनु ने पूछा। आज नहीं बेटा, आज तो आसमान में सिर्फ एक छोटा सा बादल है, माँ बोली। बुधवार को बहुत गर्मी थी। माँ, बारिश क्यों नहीं हो रही? मनु ने पूछा। मुझे लगता है बारिश जल्दी होगी, माँ बोली। गुरुवार को मनु पिकनिक पर गया। माँ, अगर बारिश हुई तो क्या मैं अपने साथ बरसाती ले जाऊं? मनु ने पूछा। नहीं मनु, आज बारिश नहीं होगी, आज बादल नहीं है, माँ बोली। शुक्रवार को घटा थी। माँ, आज बारिश जरूर होगी, है ना? मनु जोर से बोला। हाँ, हो सकती है बारिश मेरे मनु। आज आसमान में कुछ काले बादल दिखाई दे रहे हैं। शनिवार को बिजली के जोर जोर से कड़कने की आवाज हुई। माँ, क्या यह बिजली के कड़कने की आवाज है? क्या अभी बारिश होगी? मनु ने पूछा। और फिर सच में बारिश होने लगी। अरे, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, मनु गाना गाते हुए बाहर भाग गया। मनु, तुम अपनी बरसाती भूल गए, माँ उसके पीछे दौड़ती हुई बोली। तो बच्चों, क्या आप भी बरसात के मौसम का इंतजार करते हो? और ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय।